हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संदीप कुमार एंड यू वाचिंग टेक संदीप। दोस्तों चल गए, हमेशा की तरह जो है आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ। और दोस्तों आज जो है हमारा जो सब्जेक्ट है वो टिकटॉक पे है। दोस्तों मैं आप लोगों को टिकटॉक के बैन होने से लेकर उसे का जो बैन हटाने तक की पूरी प्रोसेस को बताऊंगा दोस्तों, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए आगे दोस्तों, मैं बतला दूं कि जो टिकटॉक को जो है मद्रास हाई कोर्ट ने दोस्तों 3 अप्रैल को दोस्तों उसे जो है बैन करने का जो है फैसला कर ली थी दोस्तों। और यह जो है फैसला जो है उसने सुना भी दिया था, बट इसे जो जब तक सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचाती तब तक इसे जो है पूरी तरह इंडिया में बैन नहीं कर सकता था दोस्तों। तो इसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया दोस्तों। तो चलिए आप जानते हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने के पीछे या मद्रास हाईकोर्ट का टिकटॉक एप्लीकेशन को बैन करने के पीछे का कारण क्या था दोस्तों। तो इसका जो कारण था दोस्तों वो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों, टिकटॉक का में जो है पोर्नोग्राफी वीडियोस का होना दोस्तों, और जो है उसे वो प्रमोट करना। तो ये जो है दोस्तों सबसे बड़ा कारण था। और इसके पीछे का जो कारण था दोस्तों वो और एक भी था दोस्तों, कि बच्चे जो है टिकटॉक यूज करते तो है, बट उनके सामने ये सब वीडियोस जो है वो देखकर उनकी व्यक्तित्व पे जो है गहरा असर पड़ता था दोस्तों। इसे लेकर जो है मद्रास हाई कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को, चाइनीज एप्लीकेशन टिकटॉक जो है, इसे बैन करने के लिए अर्जी की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो है थोड़ा सा इसे बैन करने के लिए थोड़ा सा डेट जो है वो आगे ढकेल चुकी थी दोस्तों, जिससे कि जो है कि आज जो है टिकटॉक आप यूज कर पा रहे हो। और जो है दोस्तों इसे जो है बैन से आप बिल्कुल हटा दिया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसे जो है आप सही न्यूज देख रहे हो दोस्तों। आपको जो है बता दूं कि टिकटॉक से बैन को बिल्कुल हटा दिया गया है दोस्तों। और इससे पहले भी दोस्तों मैंने 3 वीडियोस जो है टिकटॉक पे बनाई हुई थी, जो कि लगातार अपडेट मैंने डाला था दोस्तों। आप जो है यहाँ पे आई बटन जो है वहां से आप जो है इसे देख सकते हैं। तो आप जो है दोस्तों जो टिकटॉक को जो है बैन कर एक बाद भी दोस्तों इसे जो है बहुत कई यूज कर पा रहे थे, वो कैसे दोस्तों, क्योंकि इसे जो है इंडिया में पूरी तरह बैन नहीं किया गया था दोस्तों, बस इसके इंस्टॉल करने पर बैन किया गया था, जो कि गूगल ऐप स्टोर में दोस्तों, और जो है ऐप स्टोर जो है एम आई मोबाइल का होता है, एम आई स्टोर जो है, इन तीनों से जो है टिकटॉक को हटा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। बट दोस्तों इसे यूज कर ले रहे थे, लेकिन दोस्तों आप जो है ये पूरी तरह जो है इसे बैन पर पूरी तरह जो है हटा दिया गया है दोस्तों। बैन से हटाने के पीछे का जो कारण है दोस्तों वो बहुत ही पेचीदा है, चलिए मैं बतलाता हूँ। सबसे बड़ा कारण है दोस्तों इंडियन लोगों की बेरोजगारी जो है बढ़ जाती है दोस्तों। बहुत से लोग जो है टिकटॉक पे आश्रित है, एक्टर जो कि टिकटॉक से अर्न कर रहे थे पैसा, वो जो है बेरोजगार हो जाते दोस्तों। यदि वो दूसरे प्लेटफॉर्म में भी काम कर रहे हो तो उन पर उतना गहरा असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर जो ओनली टिकटॉक पे से पैसा अर्न कर रहा था दोस्तों, इसकी जिंदगी पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता। ये जो है सबसे बड़ा कारण था दोस्तों। सेकेंड जो कारण था कि टिकटॉक पर जो भी फैसला किए जा रहे थे मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला कर रहा था दोस्तों, वो जो है टिकटॉक के जो अध्यक्ष है उनकी गैरहाजिरी में हुई थी दोस्तों कुछ बहुत। भले ही बाद में जो है वहाँ के वाइट डांस कंपनी के जो ओनर है उनके हैंडल वो जो है इस केस को हैंडल करने लगे, तो उसके बाद जो है ठीक ही था, बट शुरू टाइम जो है उनकी गैरहाजिरी में ये सारा चीज हुआ था दोस्तों। तो सेकंड कारण ये था। और थर्ड कारण ये है दोस्तों कि टिकटॉक को जितने भी चलाने वाले व्यक्ति हैं, मतलब टिकटॉक एप्लीकेशन को जितने भी कंट्रोल करने वाले वहाँ के एम्प्लॉयज है, तकरीबन 250 एम्प्लॉयज जो है दोस्तों उसे जो है नौकरी छोड़नी पड़ जाती दोस्तों यदि टिकटॉक बैन होता तो। तो इससे जो है दोस्तों 250 लोगों की नौकरी छीन जाती, यानी 250 और भी बेरोजगार हो जाते। और सबसे बड़ा और एक चीज मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसका तो इफेक्ट नहीं पड़ा है टिकटॉक को बैन ना होने पर रोकने के लिए, लेकिन दोस्तों इसका जो है इफेक्ट जो है वाइट डांस कंपनी को जो है बहुत ही बड़ा हुआ है दोस्तों। इसे जो है इसका इफेक्ट जो है दोस्तों कंपनी को अपना जो है $5 लाख जो है नुकसान हो गया दोस्तों, मींस उसका जो कमाई था $5 लाख उसका जो है उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यदि आप इसे इंडियन रुपीस में चेंज करेंगे तो दोस्तों 3.50 करोड़ रुपया होता है। तो होता है तो दोस्तों इससे जो है वाइट डांस कंपनी को जो है काफी जो है थोड़ा नुकसान ही हुआ, बट दोस्तों वो जो है बहुत ही पैसा इसे कमा रही है टिकटॉक से। तो मैं बता दूं कि ये तो पैसा अर्न कर रही है दोस्तों, लेकिन मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूं दोस्तों, कि यदि आप एक टिकटॉक यूजर हो या
आप जो है टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हो, तो मैं आप लोगों को एक चीज कहूंगा दोस्तों कि आप सही कंटेंट डालें दोस्तों, जिससे कि दोस्तों आपकी अर्निंग भी हो और दोस्तों इंडियन कल्चर का विरोध भी ना हो। तो चल, तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप जो है टिकटॉक आप पुराना ले सकते, भले ही अभी एप स्टोर प्ले स्टोर सब में टिकटॉक को इंस्टॉल नहीं किया गया, लेकिन बहुत जल्द ही दोस्तों वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। और यदि दोस्तों आपको अर्जेंटली डाउनलोड करना है और आप लोगों को जो है इसे करना ही है, और प्ले स्टोर में अभी तो उपलब्ध नहीं है, मैंने सुबह ही देखा था, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग करना है तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं आप लोगों को जो है इसे थर्ड पार्टी वेबसाइट से जो है डाउनलोड करके बताऊंगा दोस्तों, और लिंक जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलो, और सबसे पहली बात दोस्तों कि आप प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, यदि आप नए व्यूजर हो तो, और ओल्ड व्यूजर हो तो आप जो है इसी तरह मेरा साथ बनाए रखें दोस्तों। और आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, मैं जो है इस चैनल पे दोस्तों अगले मंथ जो है गिवअवे लाने वाला हूँ दोस्तों, एक हेडफोन का। जी हाँ दोस्तों, गिवअवे आने वाला है हेडफोन्स का, जो कि आप लोगों को में से किसी एक को जो है वो हेडफोन जो है मैं गिफ्ट करूंगा दोस्तों, मीन्स ऑर्डर प्लेस कर दूंगा आपके ऑर्डर आपके जो घर पे, वो जो है चला जाएगा दोस्तों। और आप लोगों को कुछ पैसा नहीं देना दोस्तों, पैसा मैं पे करूंगा। तो चलिए इसी के साथ जो है वीडियो का अंत करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।